नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मनीषा वाल्मीकि के दोषियों पर फांसी की मांग करते हुए स्थानीय निकाय मजदूर संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने डीएम चौक से लेकर नगर मजिस्ट्रेट तक जुलूस निकाला और ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और कहा कि मनीषा वाल्मीकि के दोषियों को अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो वाल्मीकि समाज के सभी संगठन के लोग अपना सभी काम धंधा छोड़कर मजबूरन हिंसा पर उतरकर रोड एवं कार्यालय को बंद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग को मद्देनजर रखते हुए शासन देश के प्रधानमंत्री महोदय जो दलितों को अपना बताते हैं, प्रदेश के मुख्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक हमारी मांग को पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन ने मनीषा वाल्मीकि के परिजनों पर भी अत्याचार किया है। पुलिस कर्मियों व अधिकारियों पर जो कार्रवाई की है वो ढोंग है और हम मांग करते हैं कि वहाँ के जिला अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पीड़ित के परिजनों को बंदी बनाया था ये सरासर गलत है। उन्होंने भाजपा सरकार को जातिवाद सरकार बताया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है और वह तुरंत इस्तीफा दें। वह बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टास, जो अपने आप को दलित समाज का नेता कहते हैं, ऐसे नेता पर और रामदास अठावले जो संसद में बैठे हैं और जो कुछ नहीं कर सके और दलित का मसीहा बताते हैं, और रामविलास पासवान जैसे नेता जो अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं, ऐसे इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको बता दें कि इस मौके पर स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के नगर अध्यक्ष सोनू काजनिय, नगर महामंत्री बिट्टू वाल्मीकि, नगर उपाध्यक्ष कुलदीप डिलोर, संगठन मंत्री राम प्रकाश राठी, मीडिया प्रभारी जॉनी वेद और दिनेश वाल्मीकि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मैं दिनेश वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूं और यहां सफाई का पेशा है, सफाई का कार्य करता हूं। ये सभी जितने भी लोग मेरे वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के मेरे भाई है, सभी का आभार करता हूं कि सभी यहां का है। देखिए, अभी जो हाथस में कांड हुआ है हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ, ये तो सीधा सीधा है कि भाई डॉक्टर से लेके और सीएम तक, नीचे से लेके ऊपर तक सारे ठाकुर हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं कि ये दलित विरोधी सरकार है और जो ये ना ये दिखाने के लिए सस्पेंड किए हैं, इनकी सेवा समाप्त करी जाए, इससे हम संतुष्ट नहीं है। और जो अभी देखा है कि वहाँ बहन मनीषा के घर वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, हिरासत में लेना था तो जो रेपिस है, जो क्रिमिनल है, उनके परिवार के लोग, उनको, उन क्रिमिनल्स को लोग, हमारे परिवार को वहाँ पे ऐसे दबिश में लिया हुआ है कि वो वहाँ के डीएम है, ऐसे डीएम को डूब के मर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ एक वाल्मीकि समाज का जो है राजवीर दिले रहे वहाँ का सांसद, उसको तो बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, वो तो एक चीज नाकारा निकम्मा है, उससे बड़ा तो कंजूस और इससे बड़ा दलाल नहीं है समाज में कोई भी, राजवीर दिले से। हम यहाँ सरकार से रुष्ट है और अगर हमारी बहन को यहाँ इंसाफ नहीं मिला, अभी तो ये वाल्मीकि समाज कतरों में इकट्ठा हुआ है, जिस दिन समुद्र में इकट्ठा हो गया तो ये जो बीजेपी 15% है ना, इसको बहा के ले जाएगा। और यहाँ मैं चाहूंगा कि मेरे सोनू भाई हैं, ये भी बात करें इसी विषय में। जी आप, जब तक आंदोलन चालू रहेगा, जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, और ये बीजेपी के जितने भी बड़ुए हैं सुन ले मेरी आवाज को, गंजे तेरे से कह रहा हूँ योगी, अगर इसमें अगर तैने हमारी बहन के साथ में इंसाफ नहीं करा तो तेरी सरकार आगे के बाद में बनने नहीं देने के बिल्कुल भी। और पूरे हिंदुस्तान का सफाई कर्मचारी पूरा रोड पे उतरेगा और सफाई व्यवस्था को बंद करेगा। सफाई जो कहते हो स्वस्थ भारत बनाएंगे, स्वस्थ भारत हम बनाएंगे, स्वस्थ भारत तुम कहते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अबे कहाँ से बचाएंगे बेटी, बेटी का तो तुम ही हरण कर रहे हो हमारी का, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरकार ने जो बड़ी कार्रवाई की है, पुलिस कर्मी और अधिकारियों को कुछ कुछ सस्पेंड किया है, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? वो सब दिखावा है और इस दिखावे पे हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक कि इन चार, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारा सिर्फ इसमें मांग के लिए कोई, हम भीख नहीं मांग रहे इनसे, इनको हम खुली चेतावनी दे रहे हैं, जो इसमें न्याय बनता है, इस जो बेटी के साथ हुआ है इसको इंसाफ दिलाया जाए, इन चारों को फांसी हो, फांसी से नीचे का अगर कोई भी निर्णय आया तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को होगी। कल को देश में आग लगेगी, उसकी जिम्मेवारी भी बीजेपी सरकार होगी, और इस देश में कोरोना से भी कोई बड़ी महामारी फैलेगी उसकी भी जिम्मेवारी बीजेपी सरकार की होगी। मैं कहना चाहूंगा उस दलाल को,
राष्ट्रीय अध्यक्ष को चरण सिंह टाक को वो चाहता तो पूरे देश को बंद करवा सकता था इस बेटे के मामले में, पर नहीं करवाया। ऐसे दलाल को जिस दिन ये नोएडा आएगा सबसे पहले जूता मारने का कार्य बिट्टू वाल्मीकि करेगा। और दूसरा दलाल रामदास अठावले दलितों का मसीहा बताता है अपने आप को, संसद में बैठा है उसके बावजूद भी बेटी के लिए कुछ नहीं करवा पाया, इसको मर जाना चाहिए डूब के। और तीसरा रामविलास पासवान, इसको खुली चेतावनी हमारी यूपी कांग्रेस के बावजूद भी बिहार कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रहा है इस बेटी के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा जितने भी है दलित के अपने आपको धुरंधर बनते हैं सभी धुरंधरों के लिए कि बेटा दलितों में जन्म लिया दलितों में ही मरोगे, ध्यान रखना इस बात को। देश की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे आज के मुद्दा के साथ, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।